हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यार आज एक नया दिन है और एक नई शुरुआत है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं ऋषिकेश को आज शाम को। देन वहां से हम आई गेस मसूरी जाएंगे और हम इस जगह को कहेंगे अलविदा, क्योंकि हमें यहां पर आना है दोबारा से सुबह के 8 बजे। प्लान तो हमारा था कि हम 6 बजे जाएंगे और गाड़ी का पता कर लेंगे, बट 8 बजे अभी जस्ट उठे और मैं गया ओरियो लेने। रज्जी भाई चाय बनवा रहे हैं और पल्लवी, बेबू और जिग्गू जी अभी तक सो रहे हैं। तो बिस्किट वगैरह लेते हैं ना, थोड़ा बहुत गाड़ी का पता करके आते, फिर जाते पैकिंग करके निकलते हैं टाइम से, क्योंकि ज्यादा बसें नहीं। मौसम तो आज बढ़िया हो रहा है, कोई बादल नहीं है और ऊपर से पीछे ग्लेशियर भी सब साफ साफ दिख रहा है, सो ये बढ़िया चीज है। बिस्किट वगैरह लेके जाते, चाय पी के निकलते बस का पता करने। अभी हम मान लीजिए केदारनाथ जी आ भी गए, हमने यात्रा कर भी ली, दर्शन भी कर लिए, सब कुछ हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत है ना बॉस, यहाँ से वापस जाने की। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप बस से जाओगे और सस्ते में हो जाएगा, तो भाई बहुत ज्यादा हसल है यार। लिटरली बस नहीं मिलती यहाँ से। लोग भाई वहाँ सीतापुर पे जो आता है ना, एंट्री होती है वहीं से, बिल्कुल भीड़ ऐसे माफिक चढ़ती है बस पे कि भाई जगह नहीं होती जाने की, नीचे आके बस पूरी फुल रहती है। तो अभी हम वही कर रहे हैं, ऊपर पुलिस वाले भैया जी है, उनसे सेटिंग है अपनी, तो उनसे बोल रहे कि भैया बस रुकवा दो, अपन 5 लोग वहीं से बैठ के आ जाएंगे नीचे, तो सीट वगैरह मिल जाएगी। मैं पार्किंग पे आया था, मैंने रज्जी भाई से बात करी, तो रज्जी भाई करवा रहे जुगाड़ ऊपर जाके। रज्जी भाई ऊपर बैठे हुए हैं, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, सामान वामान सारा पैक कर लेते हैं फटाफट से, कि ना बस को ज़्यादा देर रुकना ना पड़े, वरना वो लोग रुकेंगे नहीं और चले जाएंगे। उनको क्या, उनको तो कस्टमर मिल ही रहे भाई, भीड़ खड़ गया पूरी दबा के। ऊपर जाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं यार बस मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा प्लान बद्रीनाथ जी का एज फॉर नाउ कैंसिल हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है वहाँ दबा के, तो रिस्की है। तो बाद में आएंगे कभी, पूरा चारधाम यात्रा एक साथ करेंगे और पंच केदार करेंगे, बाइक वगैरह से आएंगे अपनी। फिलहाल के लिए हम प्लान करें कि यहाँ से देहरादून जाते हैं, वहाँ से वन नाइट मसूरी चले जाते हैं, फिर मसूरी के बाद में घर जाएंगे, क्योंकि लीव्स वगैरह भी खत्म हो रही है और ऑफिस का भी देखना है। ट्राई करते हैं यहाँ से निकले और टाइम पे पहुँच के ना मसूरी की बस पकड़ लें। मैं ऊपर आ गया होटल पे, रज्जी भाई खड़े थे लोगों के साथ में, हम लोग इधर ही बस रुकवा लेंगे। तो अपनी कैडी बातचीत हो चुकी है भैया के साथ ऑलरेडी, कैडी बातचीत हो चुकी है। रज्जी भाई बैठे वाले बनाएंगे भाई, हाँ हमारी जगह सही बात भाई। और बस अभी थोड़ा ना चाय पीने ऊपर जा रहे हैं, चाय पी के ना वापस से नीचे बैठ जाते हैं और लग जाएंगे अपने काम पे बस रुकवाने के। ये तीनों हता साथ में यहीं बैठी है। तो यार नीचे से ना भग भग के आया, तो भाई थक गया, पसीना सीना आ रहा है बढ़िया, उधर बर्फ गिर रही है, इधर पसीना आ रहा है, ये भी अलग ही सीन है। चाय पीते यार एक एक गिलास पहले, तो चिल होते हैं। तो बस ऊपर आके ना यार थोड़ा रेस्ट किया एंड चाय और क्या भाई, ये दिस दिस खारी, खारी, खारी। भाई इसको फैन नहीं बोलते, इसको बोलते खारी, ठीक है, हम खारी खारी महाराष्ट्र में बोलते हैं भाई, खारी महाराष्ट्र में इसको बोलते खारी। तो एक नई चीज पता चली, वही एग्जैक्टली मैं भाई से बोल रहा था, भाई चाय और फैन खाएंगे, वो लाइक फैन कैसे खा सकते हैं यार। देन वी टोल्ड हिम भाई वो खाने का होता है, उसको फैन बोलते है। सो अभी पता चला भाई को कि भाई नहीं ये खारी है। हमारा ऋषिकेश वापस जाने का प्लान कैंसिल हो गया, तो हम लोगों ने बैठ के यहाँ पर बहुत सारे मजे किए, मैंने पल्लवी ने, वो नहीं जिगू ने और रजत भाई ने, हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले और हमने यहाँ बैठ बैठ के बोर हो गए। तो हमने एक एक ही बिस्किट का पूरा पैकेट लिया था 40 का, जिसमें से सिर्फ 3 बचे हैं, भूख भी लगी थी भाई। और अब हम जा रहे हैं यहाँ नीचे ना नदी है उधर पे बैठने, और वहाँ ना कौन से गेम खेलने वाले हैं भाई, नदी का पहाड़ खेलने वाले भाई, पहले कभी नहीं खेला, अभी खेलेंगे, खेलोगे मजेदार रहेगा, मेरे को पता है। सरकते इधर से नीचे को, क्योंकि मौसम बड़ा सेक्सी है बहुत, और ये दोनों पता नहीं किसी बात पे खुश हो रहे हैं, क्या बात हो रही है हमें बताओ ना, सब जानना चाहते हैं क्या बात हो रही, बताओ ना, बताओ ना, ये नहीं बताएंगी। निकलते हैं नीचे नदी के किनारे, 3 बिस्किट है ना उन्हें भी ले जाएंगे और वहीं खाएंगे। यार मेरे को लगा ना ढोलू पता नहीं क्या इम्पोर्टेंट काम कर रही है फोन में, तो जब मैंने देखा ना ढोलू के चल रहा है ढोलू भाई साहब, ये मैडम यहाँ भी कैंडी क्रश खेल रही है, इसका लेवल देखो यार 7041 लेवल पे यार भाई साहब। हम आए थे ना थोड़ा घूमने नदी के किनारे में, यहाँ पर बढ़िया भाई सीन था, फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह ली, तो अभी खड़े होकर नदी को निहार रहे हम सब लोग। तो भाई एक और चीज ना सबसे गलत क्या ना, हर टूरिस्ट स्पॉट में ना भाई हर जगह क्या होता है कि भाई लोग नदी के किनारे ना भाई पॉटी करते हैं यार, भाई क्या गंद मचा के रखते हैं, हद यार, मतलब कोई अगर जा रहा है ना उसे इतनी गंदी स्मेल आती है वहाँ पर, खुद ही नाम खराब कर रहे हैं यार। तो ये चीज बहुत गलत है, इस चीज का ध्यान रखो यार कहीं भी जाओ। बाकी हम यहाँ पर आज की डेट में भी सोनप्रयाग ही रुके, फाइनली ऐसा लग रहा है कि और सेकंड होम हो गया है, हमारा सेकंड होम हो चुका है सोनप्रयाग। यहाँ से जाने का मिल ही नहीं रहा है मौका, अब कल एनी हाउ निकलते हैं, सुबह 2 बजे की अपनी बस बुक हो चुकी है, तो 2 बजे की बस पे निकलना है यहाँ से ऋषिकेश, वहाँ से फिर हम जाएंगे
ऋषिकेश से कहाँ जाने वाले थे हम, अभी प्लान मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट। उसके बाद दिल्ली निकल जाएंगे, कल हमको ऑफिस पहुँचना है, परसों ऑफिस पहुँचना है, आई मीन एनी हाउ वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए अब यहाँ से रूम पे निकलते हैं वापस और थोड़ा गेमिंग खेलेंगे फिर से जो दिन में खेला है, और उसके बाद टाइम से सो जाएंगे। भाई कुछ बोल रहे थे भाई, कहाँ आए थे हम? भाई कहाँ आए थे हम? बोलो ना, और आगे आगे भाई बहुत मस्त। नहीं नहीं नहीं, वो प्रेशर वाला भाई, प्रेशर वाला भाई, भाई प्लीज, भाई प्लीज भाई 5 रुपए ले लेना बोल दो। एक और चीज दिखाना था ना कि ये जो उत्तराखंड की मतलब पहाड़ की गायें होती हैं, इनकी हाइट इतनी होती है, ये मान लो ना कि हमारे घुटने के बराबर हो। ये राजीव भाई एक तो भाई साहब एक नंबर जुगाड़ बैठाते रहते हैं, अभी लिफ्ट विफ्ट मांग रहे हैं बस ऊपर तक जाने की, मिल जाएगा इसे तो बढ़िया रहेगा बॉस। निकले हैं थोड़ा कड़ाव वगैरह लेने, शाम के अराउंड 8:30 बज रहे हैं। वाइड एंगल से हटा के मेरे को ना 1x पे वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा कम है, तो शक्ल तो दिखानी पड़ती है ना। 1 किलोमीटर लगभग हम आ गए हैं और 1 किलोमीटर अभी और जाना है, इसकी वजह से हम 1 किलोमीटर भाई चल रहे एक्स्ट्रा, बहुत बुरा लग रहा है सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है? चलना तो तुम अकेले जाते हो यहाँ से ना, देखो ये पूरा सीतापुर है, बहुत सुंदर लग रहा है। के बाद में हम फटाफट से जाके ले लेते थोड़ा कड़ा वगैरह, थोड़ा मतलब इधर की निशानी, ताकि घर पे भी ले आके दिखा सके। तो आज हम रात भर नहीं सोएंगे क्योंकि 2 बजे हमारी बस है, तो बस पकड़ के हमको जाना है ऋषिकेश के लिए भी। कल सुबह हम जाएंगे नीलकंठ जी और फिर उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली वापस, और परसों ऑफिस जाना है तो वो भी थोड़ा जरूरी है। तो कड़ा वगैरह लेते हैं, निकलते इधर से। लिफ्ट वगैरह मांग रही, तो जो सामने गाड़ी जा रही है ना, पल्लवी ने उसे हाथ दिया, वो गाड़ी आके रुक गई यहाँ पर। जब पल्लवी की तो पता चला कि भाई वो हमारे लिए रुके ही नहीं, तो अपने काम से रुके थे। पल्लव कैसा लगा? तो अगली गाड़ी आ रही है तो उस पर ट्राई मारते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। पल्लव ट्राई, अरे यार हाथ ही नहीं दिया तुमने। यार हम लोग ना रोड पे पल्लवी का नाम ढोले चिल्लाएंगे तेज से, ठीक है? लोगों का रिएक्शन देखते हैं। ढोले क्या वर्ड बोले? क्या वर्ड बोले? तुम हमसे आगे जाओगे तो हम फिर से चिल्लाएंगे ढोले ढोले। तुम लिफ्ट नहीं रुकोगे ना, तुम लिफ्ट नहीं दिलाओगे तो हम ढोले ढोले चिल्लाएंगे, देख लो। बहुत परेशान कर लिया है पल्लवी को ना, फटाफट से चलते हैं यार, जाके ना फटाफट से ब्लॉग एडिट करते हैं, मजाक कर रहा हूँ, ब्लॉग एडिट करते हैं, ब्लॉग फिर ब्लॉग अपलोड भी करना है आप लोगों के लिए, तो निकलते फटाफट से यहाँ से, सरकते आप लोग।